गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ज्योति शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल। मेरे साथ हैं डॉक्टर सचिन, नियोनाटोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल। हमारी टीम आज आपके साथ एक बहुत ही खुशी की बात शेयर करना चाहते हैं। एक बहुत ही प्रीतम बच्चा, एक्सट्रीमली प्रीतम, 970 ग्राम से 1.7 ग्राम का होके आज डिस्चार्ज हो रहा है, एंड दैट टू इन वेरी साउंड कंडीशन। न्यूरोलॉजिकली ऑल्सो ही इज़ प्रेटी गुड। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। पेशेंट का नाम है शिप्रा। वो किसी वर्ड ऑफ माउथ से मेरे पास आई थी ट्रीटमेंट के लिए। 27 वीक्स पे उन्हें लीकिंग होगी, और फिर हमने उन्हें सारा काउंसिल किया और रिस्क बताया और एडमिट किया पेशेंट को। 5 डेज तक पेशेंट यहाँ रहा है। जो भी संभव था, एंटीबायोटिक्स, प्री डिलीवरी स्टेरॉइड्स वगैरह, वो सब दिए गए उसे। डॉक्टर सचिन ने काउंसिल किया उन्हें बहुत अच्छी तरह से, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस गेन हुआ, और जैसा जैसा कहा गया पेशेंट ने बहुत कोऑपरेट किया। पर अल्टीमेटली 4 अगस्त को पेशेंट वाज एडमिटेड ऑन 29 जुलाई, एंड शी डिलीवर्ड ऑन 4 अगस्त। वो करना ही पड़ा क्योंकि लाइकर ऑलमोस्ट निल हो गया था, तो उसे डिलीवर करना पड़ा। उसके बाद में पेशेंट पोस्ट सर्जरी शी वॉज अनइवेंटफुल, बट बच्चे का फिर डॉक्टर सचिन का रोल शुरू हुआ फिर, एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारा उसको ट्रीट किया, इतना दूर तक लेके आए हैं, और आज वो सक्सेसफुली डिस्चार्ज हो रहे हैं। डॉक्टर सचिन, आप कुछ बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे मैम ने बताया, ये मदर 26 प्लस 3 वीक्स पे अराउंड मैम के पास एडमिट हुए थी। तो उस टाइम एक्सट्रीम प्री मेच्योरिटी थी, तो पेरेंट्स भी बहुत घबराए हुए थे। तो हमने उनकी मिलके एंटीनेटल काउंसलिंग की कि हमारे यहाँ पर नर्सरी में 26 वीक्स इवन 25 वीक्स तक भी हमने बच्चों को सेव किया है। तो हालांकि प्री एक्सट्रीम प्री टर्म मेच्योरिटी का कोर्स थोड़ा स्टॉमी रहता है, बट हमने उनको कॉन्फिडेंस दिलाया एंड देवर वेरी कोऑपरेटिव। तो 4 अगस्त को जब जेस्टेशन 27 वीक्स था, तब बेबी डिलीवर हुआ। बेबी का वेट था 950 ग्राम्स के अराउंड। तो जब बेबी बॉर्न हुआ, तो उस टाइम उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट्स अच्छे नहीं थे। हमने उसको नर्सरी में एडमिट किया, उसको मिनी वेंटिलेटर पे डाला, हमने उसको फेफड़े खोलने की मेडिसिन दी, जिसे सरफेक्टेंट बोलते हैं, वो दिया। तो उसी मिनी वेंटिलेटर पे, सीपैप हाई फ्लो पे, बच्चा पहले सीपैप पे रहा 3 से 4 दिन, फिर हाई फ्लो पे रहा, हाई फ्लो पे काफ़ी दिन रहा, कोई 15 दिन हाई फ्लो पे रहा। फिर अराउंड 3 वीक्स ऑफ एज बच्चे को हमने रूम एयर पे शिफ्ट किया। इन बिटवीन बच्चे को और भी प्रॉब्लम आई, जैसे इन्फेक्शन की, फीड इंटॉलरेंस की, जॉन्डिस की, वो हमने यहाँ पे विद गॉड्स ग्रेस हमने उनको सक्सेसफुली ट्रीट किया। आज बेबी है करेक्टेड जेस्टेशन अराउंड 34 वीक्स ऑफ एज। बेबीज वेट इज़ 1.7 kg। बेबी इज ऑन फुल पेल्डा फीड्स, ऑफ एनी एंटीबायोटिक्स, ऑफ कैफीन फॉर द लास्ट 5 डेज, गेनिंग वेट, एंड मदर इज कॉन्फिडेंट ऑफ कीपिंग द बेबी एट होम। सो वी आर डिस्चार्जिंग द बेबी टूडे एट 46th day ऑफ लाइफ। सो दैट्स वट वी वॉन्ट टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मेरा नाम शिप्रा यादव है। आई वॉज प्रेगनेंट एंड मेरी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट 28 अक्टूबर थी। सडनली मुझे वाटर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो गई, तब मैं 6.5 मंथ प्रेगनेंट थी। मुझे सडनली हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, जिसके बाद मेरे हस्बैंड के कलीग ने मणिपाल हॉस्पिटल रिकमेंड किया और डॉक्टर ज्योति शर्मा के बारे में मुझे बताया। मैं डॉक्टर ज्योति शर्मा के अंडर आई और उन्होंने देखा तो वाटर लेवल काफ़ी डाउन था, जिसकी वजह से उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और पूरी कोशिश ये की कि हम बेबी को जितना हो सके स्टमक के अंदर ही रखें। लेकिन जब 29 जुलाई को एडमिट होने के बाद 4-5 डेज निकलने के बाद ये लगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने मेरा सी सेक्शन करवाया। कराने के पहले उन्होंने ये सजेस्ट किया कि डॉक्टर सचिन से हम बात करें, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने यहाँ में ये सजेस्ट किया कि हम इस टाइम पे भी अपने बेबी को वो देखभाल करके उसे अच्छे से केयर कर सकते हैं और बचा सकते हैं। देन उन्होंने 6.5 महीने में हमारा सिजेरियन किया और मुझे बेबी बॉय हुआ। देन अब तब वो हुआ जब उसका वेट 950 ग्राम था, और आज की डेट में
वो 46 डेज का है और उसका वेट 1.7 किलोग्राम है। यहाँ का स्टाफ, फैसिलिटी और डॉक्टर सचिन बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया और हमारे बच्चे का ध्यान रखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज़ सुमित यादव और मैं फिप्रा का हस्बैंड हूँ। हम यहाँ पे अपनी वाइफ को लेके आए थे 29 जुलाई को। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज वेरी केयर्ड, कुछ भी कंट्रोल में नहीं लग रहा था। ज्योति मैम के बारे में मुझे बताया था मेरे बॉस ने, द डे आई मेट विद ज्योति मैम, एवरीथिंग की सिचुएशन क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। उस टाइम में मेरी वाइफ 6.5 मंथ प्रेगनेंट थी और उसी टाइम में मैम ने बताया कि मे बी पॉसिबिलिटीज हैं कि हमें अभी डिलीवरी भी करनी पड़े। उन्होंने सचिन सर के बारे में बताया, सचिन जी यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सचिन जी ने उस टाइम से लेके अभी तक सारा कुछ ब्रीफ करा मुझे बहुत अच्छे तरीके से। ब्रीफिंग इतनी अच्छी थी कि शायद अगर कोई अभी मेरे फिर किसी बेबी के बारे में पूछता था, मैं भी फिर ब्रीफ कर दूँ। मैक फॉर द थिंग्स सपोर्टिव स्टाफ बहुत अच्छा है, मेरे लिए सेकंड होम टाइप हो रखा है मणिपाल। पिछले 45 दिन 46 दिन से मैं डेली यहाँ आ रहा हूँ, इवन मुझे फैट सिक्योरिटी गार्ड भी जानता होगा इन पर्सन। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। थैंक यू सो मच मणिपाल हॉस्पिटल, स्पेशली ज्योति मैम एंड सचिन सर, थैंक यू।